अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो अभी जी सुबह का टाइम है और सुबह उठ के किचन में आना होता है नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ना मैं तो जब तक चाय ना पीऊँ ना तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही नहीं काम करता। और होता कुछ इस तरह है कि बस छोटे मोटे काम करते करते, चीज़ें समेटते, नाश्ता बनाते ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन अभी मैं किचन में आई तो बड़ा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ। रात को इतनी थकावट हो गई थी क्योंकि कल हम काफ़ी लेट आए थे। फिर हम घर आते हैं तो बिग बॉस जो है वो भी देखते हैं आजकल। वैसे इस बार मज़ा तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बस आदत है, अच्छा लगता है तो देख ही लेते हैं, टाइम थोड़ा बहुत पास हो जाता है। अच्छा, मुझे ना डेली इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स भी बल्कि आते हैं कि आप किस तरह से देखती हैं, कैसे देखती हैं। तो आप सिंपल गूगल पे लिखें, गूगल पे आप ये लिखें ना कि बिग बॉस 14 या डेट के साथ लिखें, फुल एपिसोड लिखें, तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिन पे आ जाता है। तो टीवी पे तो ज़ाहिर है यहाँ पे कलर्स नहीं आता, और यूट्यूब पे भी मुझे नहीं पता कि आता है कि नहीं आता क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं देखती हूँ। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो सिंपल ही बस हम लिखते हैं, आ जाता है तो हम देख लेते हैं। और हम सारे सीजन्स ऐसे ही देखते हैं क्योंकि जब मैं लाहौर में थी ना तो वहाँ पे आता था हमारे घर, फिर उसके बाद बंद हो गया, लेकिन जब हम रहते थे ना तब वहाँ पे आता था, तो तब हम टीवी पे देख लेते थे। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही देखती हूँ, मैं ड्रामास और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ के और ये चीज़ें देखूँ। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, फ्री टाइम समझ लें या जो भी आप कहें, तो वो मैं अपने काम को देती हूँ क्योंकि घर के काम नहीं होते, तो फिर मैं बाकी का सारा टाइम जो है वो यहाँ पे देती हूँ, इंस्टा पे देती हूँ, आप लोगों से मैसेजेस पे बात कर लेती हूँ, और एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है तो मैं उसको देती हूँ। तो बिग बॉस इस तरह से है कि मैं वेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस हर इंसान को अपने अपनी पसंद की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं वेट करती हूँ पूरा साल, जब आता है तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हर सीज़न अच्छा नहीं होता, लास्ट सीज़न बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इस बार अभी तक बस ठीक है, कुछ ख़ास तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक। देखें शायद आगे कुछ बेहतर हो जाए। तो इसके बारे में बहुत सारे ना मैसेजेस आ रहे थे और आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में ही बता दूं क्योंकि बहुत सारे जो है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। तो नाश्ता तो वही जो एज़ यूजुअल बनता है हमारा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ एक तो क्रीम टोस्ट, और इसकी रेसिपी जो है वो मेरे किचन चैनल पे है, व्लॉगर बर्ड किचन पे। रेसिपीज़ जो होती है ना, आपने कोई भी सर्च करनी हो आप सिंपल उसके नाम के साथ व्लॉगर बर्ड लिख देंगे तो वो रेसिपीज़ जो है वो मेरे व्लॉगर बर्ड किचन की आपको शो हो जाएंगी। और इस तरह से होता है कि मैं व्लॉग में रेसिपीज़ शेयर नहीं करती हूँ, बहुत सारे फिर मेरे न्यू व्यूवर्स जो मुझे ज्वाइन करते हैं वो मुझसे पूछते हैं, तो उन सबको भी मैं बता रही हूँ जिन्होंने नहीं देखी या जो देखना चाहते हैं। तो आप सिंपल बस लिख लिया करें सर्च में, और साथ व्लॉगर बर्ड किचन भी ना लिखें, व्लॉगर बर्ड भी लिखेंगे तो वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रीम टोस्ट, और इम्तियाज़ से जो ब्रेड आई है वो इस बार फिर दूसरे दिन से ही, बल्कि मैंने तो उसी दिन ही खोली तो मुझे टूटी टूटी फील होने लग गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पूरा जो है वो आज घर की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन करनी थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, वो मैंने निकाली और शॉपर भर भर के बाहर मैंने जो है वो फेंके, जो फजूल की चीज़ें होती हैं, पेपर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, पड़े हुए होते हैं। अच्छा जी, मैं जो कल कुछ चीज़ें लेकर आई थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि शेयर मैं इसलिए करती हूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, मैं भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि ये दो लिए हैं मैंने शूज़, और ये जो है ना इंडोर के हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिए हैं अपने, और मुझे नहीं पता ये रेगुलर प्राइस है या सेल प्राइस है, लेकिन मुझे सेंटोरस में अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। ये मैंने लिए हैं अपने लिए, और ये मुझे मिले हैं 1500 के, और बहुत अच्छे हैं। एंड्योर के ही मैं ढूंढ रही थी कि मुझे अच्छे मिल जाएं, और लकीली मुझे अच्छे मिल गए। वैसे मेरा बजट था कि मैं इस बजट में ले लूं, मुझे मिल जाए अच्छे तो मैं ले लूं। और ज़्यादातर मैं देख रही थी थोड़ा सा कंफर्ट हो, जिम जाती हूं या वर्कआउट करती हूं या वॉक करती हूं तो मुझे उसके लिए चाहिए थे, तो एक मैंने ये ले लिए हैं। अब मुझे मज़ीद अगर और भी अच्छे मिले तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे अभी तक ना अच्छे मिले नहीं हैं। और जहाँ भी मैं देख रही थी ना वहाँ पर मुझे साइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, साइज़ नहीं अच्छा मिल रहा था, तो ये मैंने लिए हैं अपने लिए। और देखें बहुत प्यारा ब्लू कलर है,
इसमें एक और भी कलर था ऑरेंज कलर का, जो कि मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया, लेकिन वो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर हमने ये ले लिए। अच्छा, आजकल जब से ये शॉपर्स यहाँ पे बैन हुए हैं ना, बड़े प्यारे ये देखें, इस तरह से इन्होंने बॉक्स बना लिए हैं, तो इस तरह से इन्होंने दिए थे, बहुत अच्छे लगे मुझे ये। अच्छा जी, और ये हैं मेरे हस्बैंड के, उनके मैंने पसंद किए, उन्होंने मेरे किए, और बाय चांस दोनों एक जैसे ब्लू हो गए, सेम ही हो गए। वैसे ये कि वो वुमेन के सेक्शन में था, ये जो है जो जेंट्स का सेक्शन होता है ना, उसमें से मैंने लिए थे। ये भी इंडोर के हैं, प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं 2500 के, और अच्छे खासे सॉफ्ट हैं, मतलब पहन के कंफर्टेबल थोड़ा सा फील हुआ। तो ये हैं उनके, ये मैंने कहा मैं पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीजें। अच्छा जी, दो जो मेरी शर्ट्स थी ना, जो मैंने वापस की, तो उसके बदले में ये लिए हैं मैंने। प्राइस इसकी है 1990 तकरीबन, समझे 2000 के हैं, और ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इस तरह से ये जो इसकी पिक्चर होती है ना, ब्रांड अपनी पिक्चर देते हैं डिजाइन्स की, और वो मुझे ये देखते ही बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने हम दोनों की बल्कि पसंद पे, क्योंकि जब हम दोनों इकट्ठे जाते हैं तो फिर दोनों ही ले लेते हैं अपनी पसंद से, मतलब मिलके ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कपड़ा इसका बहुत अच्छा फाइन है, मैंने फर्स्ट टाइम जेलबरी से लिए हैं, मैंने पहले भी ये बात आपके साथ की थी और अभी दोबारा कर रही हूँ। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लगा है, हालांकि ये देखने में थोड़ा सा खद्दर करंडी टाइप का है, लेकिन सॉफ्ट है और बहुत मोटा नहीं है, क्योंकि मोटा वाला खद्दर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है। अच्छा, इसका जो डिजाइन है ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला जब स्टिच कराऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इसकी फ्रंट साइड है, बॉर्डर है, और मुझे कलरफुल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादातर इस तरह लिए हैं। ये इसके बाजू हैं शॉकिंग पिंक कलर के, और ये इस तरह से इसका यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, और जो इसकी बैक है ना वो इस तरह ग्रीन है, ये देखें ये इसकी बैक है, और इसके साथ जो ट्राउजर है वो है पिंक कलर में, और दुपट्टा जो है ना, अच्छा जी दुपट्टा जो है ना, ये मैं पहले समझ रही थी जब डिस्प्ले में था कि सारा इस तरह से होगा, ये जो चुनरी टाइप का फुटड़े टाइप का होता है, लेकिन इसके सिर्फ बॉर्डर इस तरह से दिए गए हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला कलरफुल सा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, एक मैंने ये सूट ले लिया, और जो शर्ट्स थी ना वो तकरीबन आई थिंक 1800 की या 1900 की थी, और तो मैंने एक जो टाइट्स थी वो भी वापस कर दी, दो शर्ट्स वापस की, और उनके बदले में ये 2000 के मैंने दो सूट ले लिए। अच्छा, ये जो है ये भी थ्री पीस है, और ये भी है 1990 का, समझो 2000 का ही, 10 रुपए कम है, तो ये देखिए ये इस तरह से इसकी पिक्चर है। अच्छा, अब ना मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा डिजिटल प्रिंट में है, वो जो था वो शॉकिंग पिंक है, ये थोड़ा सा ना रेड और पीच टाइप का है। अब पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, दोनों कलर्स डिफरेंट हैं, वो पिंक है और ये थोड़ा रेड पीच सा है। हाँ, सेम फैमिली के कलर्स हैं, लेकिन मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैंने ले लिया। और उस दिन मैं ऑरेंज भी लेकर आई थी और ब्लैक भी लेकर आई थी, तो दो तीन कलर्स थे, तो मैं इसलिए चाह रही थी थोड़े से डिफरेंट हो। और येलो बहुत मुझे एक पसंद था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं लेने दे रहे थे मुझे। अच्छा, इसका ये दुपट्टा जो है ना, उसकी बेस आप देखेंगे पर्पल कलर में है, और बहुत ही प्यारा सा इसका जो बॉर्डर है ना, बड़ा खूबसूरत सा है ये इसका दुपट्टा, ये देखें सारे कलर्स इसमें आ रहे हैं। और शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अब इसकी, पर्पल सा था ना जरा ज्यादा, थोड़ा सा पर्पल था ना, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है, अगर ज्यादा पिंक होता तो फिर सोचती, लेकिन पर्पल रेड का पीच का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन आ रहा था इसमें। अच्छा, ये इसका जो है वो गला है, ये देखें ये फ्रंट साइड है इसकी, ये इसका गला है, ये इसका बॉर्डर है, और मैं अपनी लेंथ के बाद ना फिर बॉर्डर वैसे भी कट करा लेती हूँ, तो देखती हूँ अब इसका डिजाइन टेलर को बताऊंगी क्या कहते हैं वो। और जो इसकी बैक है ना वो इस तरह से है, ये देखें ये इसकी बैक है, ये इसका आएगा ऊपर का साइड जो शोल्डर का होता है, ये बीच का आएगा, और ये इसका बॉर्डर आएगा इस तरह से, और बाजू जो है बाजू इसके पर्पल और पीच मिक्स में आ रहे हैं। ये भी जो है ना, मुझे देखते ही बस कलरफुल सी चीजें होती है ना, मुझे अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं,
तो ये दो मैंने ले लिए, सूट और एक टाइट्स मैंने रख ली थी ब्लू वाली। इसका स्टफ बहुत बहुत अच्छा है और इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये मैंने दी नहीं कि चलो ये देखे विंटर में भी पहनी जाएगी। और जो ब्लैक वाली थी वो अच्छी थी, मोटी भी थी, लेकिन उसका ये था कि उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल वो नहीं थी, तो फिर वो मेरे लिए मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे आप लेना चाहें तो स्टफ उसका भी अच्छा था। और ये मैंने आपको उस दिन दिखाई थी इसलिए इसको तो मैं ज्यादा नहीं खोल रही, लेकिन ये मैंने रख ली। अच्छा, इनको मैं अभी श्रिंक करूंगी तो यहीं पे रख रही हूँ, अभी उठाती नहीं हूँ। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अलफतह से मैंने क्या लिया। ये कॉस्मेटिक्स हैं, इन्हें एंड में दिखाती हूँ। कॉस्मेटिक्स थोड़ी बहुत ली है, मैं एंड में दिखाती हूँ। थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, टिश्यू पेपर का बॉक्स लिया है गाड़ी के लिए, ये लिया है मैंने टिश्यू पेपर, जो मैं ब्रेड या रोटी या कुछ बनाती हूँ ना, पराठा तो कभी कभार खाते हैं लेकिन कुछ भी ब्रेड वगैरह बनाती हूँ तो रखने के लिए। अच्छा, उसके साथ इस बार मैंने लिया है ये वाला शैम्पू, और ये जो है ना ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि जो कोकोनट है ना वो वैसे बहुत अच्छा होता है, ऑयल में लगाती हूँ बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है, तो इसलिए ये मैंने लिया कि ड्राई हेयर्स के लिए, तो चलो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी बताऊंगी। तो ये मैंने लिया, वैसे मैं कभी कभार लेती हूँ लेकिन मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। दो ली है मैंने जूस की बॉटल्स, और ये मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ करीब, शायद होंगी मुझे नजर नहीं आ रही थी, तो मुझे नजर आई तो मैंने ये ले ली दो बॉटल्स। पता नहीं ये फोकस साफ करेगा, ये ले ली है दो जूस की बॉटल्स, और अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके पीऊंगी। मेरा गला वैसे अभी दुख रहा है, पता नहीं क्या खाया है मैंने। एक ड्रिंक ले ली मैंने, चॉकलेट ले ली है, पीनट्स के कुछ पैक ले लिए मैंने, और शक्कर ली है क्योंकि चाय में जो है हम शक्कर ही यूज करते हैं। मैं तो घर पहले से करती थी, आजकल मेरे हस्बैंड भी साथ करने लग गए हैं यूज। और ये लिए हैं दो बार्स, ये ऑफर में थे आई थिंक 119, 109, 120, मुझे याद नहीं है, इस तरह थे, तो ये मैंने दो बार्स ले लिए हैं। और ये जो है ना टेस्ट मैंने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने देखे तो ले लिए, प्राइस इसके ऊपर नहीं लिखी हुई, वहीं लिखी हुई थी। एक पीनट बटर में और एक एलमंड्स में है, तो ये दो ले लिए हैं मैंने ये। अच्छा, अब आपको ये बताऊं कि जब मैंने इंश्योर की, वीडियो शेयर की थी ना कि हम लोग लेकर आए और यूज करेंगे, लास्ट टाइम लेकर आए थे चॉकलेट फ्लेवर में, जब एक्सरसाइज करके आते हैं ना तो उस टाइम मेरे हस्बैंड बार आते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद ये लेते हैं, तो अब वो कब से मुझे भी कह रहे थे कि आप भी स्टार्ट कर लो क्योंकि उस टाइम पे ना एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन होती है, तो एज अ प्रोटीन शेक ये जो है अच्छा रहता है। चॉकलेट वाला लाई थी तो वो काफी रिच था, अच्छा बहुत था, टेस्ट भी अच्छा था, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो सबने मुझे फिर बहुत ज्यादा गाइड, अच्छा गाइड किया था कि आप इस तरह करें, इस तरह बनाएं, दो या तीन स्पून से ज्यादा मत डालें, फिर पानी भी ऐड करें या दूध भी ऐड करें या दूध में मिक्स कर लें, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो इस बार ना हम लोगों ने फिर लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और इसका बताऊंगी कैसा है। चॉकलेट वाला बहुत मजे का है, वनीला वाला इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, सारे करूंगी फिर आपको इसका प्रॉपर बताऊंगी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। और ये जो है ना इसकी प्राइस थी 1500 रुपए लिखी हुई है, 1500 का, तो देखें अब ये कितना चलता है। तो ये थोड़ी सी ग्रॉसरी की, और अब इसके बाद ना ये मैंने लिए हैं अपनी चीजें। एक तो मैंने ये ले लिया काजल, ये मैं समझे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये मैं यूज करती आ रही हूँ, अच्छा रहता है, 75 रुपीज का मिला और बस नजर आया तो ले लिया, कभी कभार रखती हूँ मैं ये जरूर अपने पास। और मैंने लिए हैं, हमेशा लॉरियल लेती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं लॉरियल ही यूज करती हूँ, लेकिन इस बार ना मैंने कहा चलो पॉन्ड्स की मैं यूज करके देखती हूँ। ये मैंने काफी पहले शायद लाहौर में की थी, नाइट क्रीम है, मेरी नाइट क्रीम लॉरियल की खत्म हुई भी थी कुछ दिनों से, और मैं अब लेना चाह रही थी, वो है आई थिंक 1500 की है, 1400 कुछ की है, जो मैं लगाती हूँ ना लॉरियल की, एज मेरिकल जो है, ये वाली पॉन्ड्स की मैं लेकर आई हूँ। और इस पे आई थिंक यहाँ तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज लिखी हुई है, रिंकल कोरेक्टर है, वैसे देखूंगी ये यूज करके। ये है 1095 की, मतलब 1100 रुपए की है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, बस मैं चेक करने के लिए ना ये देखना चाह रही थी कि कैसी होगी, तो एक मैंने ये ले लिया। और ये भी मैंने लिया है फर्स्ट टाइम हीट प्रोटेक्टर स्प्रे, क्योंकि बाल मेरे कर्ली हैं, मैं ज्यादातर जो है वो यूज करती हूँ आयरन यूज करती हूँ, स्ट्रेटनर यूज करती हूँ, तो वहां पे ना तीन चार रखे हुए थे, ट्रेसेमे का था, एक और था और ये था, तो ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। और चीजें मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, नई नई देखती हूँ अच्छी है नहीं है, फिर उसके बाद जो है ना
आइडिया हो जाता है। तो ये मैंने लिया है 595 का, समझे 600 रुपए का। और अलफता में चीजें थोड़ी सी महंगी होती हैं लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, और मुझे तीन चार चीजें बस चाहिए थी और हम काफी लेट हो गए थे तो वो बंद भी हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हैं वो काम की मुझे मिल गई। तो ये जी ली हमने वहां से और बस यही चीजें हमने लिया। इसके अलावा ऐसा कुछ खास मुझे याद नहीं है कि हमने कुछ लिया, बस ये रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।